बहुत अच्छा हुआ कि आज यहाँ पर आ गए भानुशाली जी। ये मैं यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है, आपको संक्षेप में बता दूं कि ये स्टडी सेंटर बनाया जा रहा है और मुझे जानकारी दी गई है कि ये बीएमसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के यानी नगर सेवक फंड से बनाया जा रहा है और इस बनाने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कंपनी को उसमें कंडीशन होती है कि ये जो पीने का पानी है, अभी देखिए नई लाइन इससे खींच के नई लाइन लेके बीएमसी के पीने का पानी इस निर्माण में उपयोग किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में अगर बारिश हुई तो पब्लिक को तकलीफ होने वाली है। ठीक है, इसका जवाबदार कौन है? ये तो पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, ये निर्माण के लिए जो भूसा पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अंदर जाके आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये रेती है, ये रेती नहीं है। ऐसे ही चलता है सब एलवर्ड में जी। देखो अंदर झाड़ कटे हुए हैं, ट्रिमिंग के नाम पर झाड़ काटे गए हैं। क्या उसकी ट्रिमिंग की परमिशन होती है? क्या वो परमिशन ली गई है, नहीं ली गई है? आपसे आप हमारे लिए इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कुछ महीनों पहले आपने ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था जो यहाँ इससे आगे जाके पुल का जो लोहा था वह चोरी से रात में काट के बेच दिया गया था। आपके मार्फत वो मुद्दा उठाया गया था और उस मुद्दे पर FIR हुआ था। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है जानकारी? देखिए मुझे तो ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब मैं जा रहा था और आपने मुझे देख लिया। फिर भी अगर ये लाइन कहाँ से गई है, डायरेक्ट इसके अंदर छोड़ा है क्या? ये लाइन कहाँ से छोड़ा है? अभी तो ये मुझे यहीं से लग रहा है, लेकिन लाइन तो क्योंकि उधर है, उधर से ही कनेक्शन आता है, इधर तो कोई लाइन है। तो इनको टैंकर मंगाना चाहिए ना खुद का, इनको टैंकर मंगा के टैंकर के पैसे दिए जाते हैं महानगर पालिका की तरफ से, टैंकर आना चाहिए और इसके अंदर पीने का पानी यूज नहीं होता है। लेकिन ये कैसा होता है, सब अधिकारी हो, स्थानिक लोग जो लोक प्रतिनिधि हैं, वो लोग की सब मिलीभगत होती है, उसके वजह से इन लोग को फायदा मिलता है और इसके वजह से और कैसा रहता है, जनता को लगता है कुछ काम हो रहा है, जनता देखने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ी भूल वही है कि जनता इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। अगर थोड़ा सा अगर हमारे घर में हम काम कराएंगे तो ऐसा वाला डालेंगे, ये भूसा हम डालेंगे हमारे घर में। महेंद्र भाई एक सवाल आपसे है कि जैसा कि मनसे का स्टाइल है, मनसे का अंदाज है, स्ट्रक्चरल जो सेटअप है मनसे का, मैं जानता हूँ, सालों से जानता हूँ कि हर वार्ड में हर क्षेत्र में उनका एक प्रतिनिधि रहता है, इस क्षेत्र में भी आपके कोई प्रतिनिधि होंगे, तो क्या वो इस पर नजर नहीं रख सकते? ये तो आप अचानक आ गए, आपसे मुलाकात होगी, आपसे मैं सवाल करूँगा कि कैसा हो रहा है। अब इलेक्शन आने की वजह से ये लोग धनाधन धनाधन, इनके ये साल में इतना फंड ये लोगों ने मंगाया है कि पूरे विधान वार्ड के अंदर कहाँ का काम चालू हो रहा है पता नहीं चलता है। अभी कैसा बात है, अभी ये इतना बड़ा काम चालू है तो मैं जस्ट मेरे एक दूसरे काम से आपने मुझे बुला लिया। कहीं ना कहीं स्थानिक लोगों का भी इसके अंदर सहयोग चाहिए। अगर काम ढंग से नहीं हो रहा है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है ना, उसके लिए आप हमको बुलाओ। आज भी मैं आपको बता दूं अशोक नगर के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी, 5 साल से नगर सेवक वहां पे पैर नहीं रखे, आमदार ने वहां पे पैर नहीं रखा, आमदार नगर सेवक इन लोगों ने एक शौचालय का 3 बार उद्घाटन किया, भूमि पूजन किया, कितनी बार किया, 3 बार भूमि पूजन किया और 4थी बार का बैनर लगाया। कितनी बार भूमि पूजन करोगे एक ही जगह का? इन लोगों को जनता को मूर्ख बनाने के लिए सिर्फ नारियल फोड़ने का सिस्टम है और अगर ये काम पास हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन इस काम के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह का आप देख रहे भूसा डाल रहे हैं, ये कितना दिन टिकेगा आप मुझे बताइए? फंड आया और हमें लगा देना, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमें कुछ भी करना है। जनता भी जागरूक होनी चाहिए, आप पत्रकार लोग भी जागरूक होनी चाहिए, हम विरोध पक्ष के लोग हैं, हम सब लोगों ने जागरूक होकर अच्छे से ये काम कैसे कराना चाहिए। आज ये लोगों को यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, बराबर है, और अगर इतने बड़े काम के अंदर डायरेक्ट इस तरह से लाइन जोड़ दी गई है, दिखाओ जरा लाइन, लाइन यहीं से गई है मेरे ख्याल से, दिख रहा है ना? जी 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 दिख रहा है, क्या लाइन ऐसे गई हुई है, डायरेक्ट जोड़ी गई है लाइन, अंदर कहाँ जा रही है वो भी एक बार देख लेते। देखिए देखिए ये लाइन जुड़ी हुई है, कौन है इधर, कॉन्ट्रेक्टर कौन है, इधर कामगार, इधर इधर बाबू, इधर क्या कर रहे, पानी किधर जा रहा है, डायरेक्ट लाइन जोड़ा है, पता नहीं, कुछ बोलने वाला नहीं है, तेरे को टेंशन मत ले, कहाँ से लाइन आया वो बता, ये वाला लाइन डायरेक्ट उधर से आया पीने का, इसे इधर कर, इधर बोल बेटा, पीने वाला पानी इसमें वापरो। ठीक है, आपको टैंकर लाने की परवानगी नहीं है क्या?
ये तो मजदूर है, कामगार है। कॉन्ट्रेक्टर कौन है? कॉन्ट्रेक्टर है इसे। अधिकारी कौन है इधर? कोई अधिकारी नहीं है, आता ही नहीं कोई देखने। वर्क ऑर्डर भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं। 3:30 बज रहा है इस समय, काम भी चल रहा है, लेकिन इनका कोई साइट पर जो है ना, साइट इंजीनियर है ना, वर्क ऑर्डर है ना, कुछ है। ठीक है, इसकी मैं बात करता हूँ अधिकारी से। अगर इस तरह से अनलीगली ये पानी जो लिया है वो गलत है, ऐसा पानी नहीं लिया जा सकता है। पेड़ भी काटा है ट्रिमिंग के नाम पर। वो कल मैं आया था, वीडियो निकाला था, वो गोली मनी डाल दिया है सब। इधर झाड़ था रे? हाँ झाड़ था ना, जब काट दिया है। झाड़ था, काटा है क्या? झाड़ काटा हुआ है क्या? ये क्या टिकेगा ये? देखो भूसा डाला हुआ है, ऐसे ही रहने वाला है। चलो मिल रहा है। सबसे पहला ये पानी जो यहाँ से अनलीगली तौर पे लिया गया है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर और अधिकारी के ऊपर, दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो संबंधित अधिकारी जो जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पीने का पानी इसके अंदर यूज करना कोई अलाउ नहीं है। अगर उनको परमिशन दी गई है कि आप डायरेक्ट लाइन वहां से जोड़िए, तो उनके पास एक पेपर होगा, आप भी एक बार इंक्वायरी कर लीजिए, मैं भी कर लूंगा। अगर उनको वहां से लाइन जोड़ने की परवानगी दी गई है तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बराबर है। लेकिन हमें पहला उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, वहां से उनको लाइन दी गई है या नहीं। अगर नहीं दी गई है तो 110% जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी और जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए और अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। ये मेरी मांग रहेगी। और आने वाले सोमवार को, आज तो बीएमसी बंद है, सोमवार को मैं भी इस विषय को उठाऊंगा। मेरी आपसे, पत्रकारों से भी विनती, आप लोग भी इस विषय को उठाइए और स्थानीय लोगों ने भी इस विषय को उठाना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से विनती।